एक और बात अच्छी अच्छी लगी मुझे, क्या लगा था कि कल ये तरण आदर्श ने दोनों का ये रिव्यू देने ही नहीं वाला है। दोनों जो मूवी आने वाली है आ चुकी है एक्चुअली, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये नहीं देगा, पर ऐसा नहीं है भाई, इसने आखिर रिव्यू दिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या बोलता है ये दोनों फिल्म के बारे में। ओके, तो तरण चाचा जी ने क्या बोला है, देखो उन्होंने 3.5 स्टार दिए है, हार्ट वार्मिंग ऐसा बोला है। अ लव स्टोरी दैट फॉलोज द राजश्री ट्रेडिशन येट अपियर्स हटके, टॉक्स ऑफ ब्रेकअप, क्लोजर एंड मूविंग ऑन इन लाइफ ब्यूटीफुली, अन इवन फर्स्ट हाफ, इंटरेस्टिंग सेकेंड आवर, राजवीर देओल कॉन्फिडेंट एंड लाइकेबल, पलोमा लिव्स अ मार्क, अविनाश बरजात्या नोज हिज जॉब, हियर्स टू स्टे, दोनों रिव्यू। हैविंग सेड दैट दोनों कुड हैव बीन शॉर्टर बाय 15 और मिनट्स फॉर एन एनहांस्ड इम्पैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं 3.5 स्टार एंड वेरी पॉजिटिव रिव्यू यार, मज़ा आ गया देख के बंदे ने। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरा जो कल का एक्सपीरियंस था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार कि बहुत ही बेहतरीन था। आई वॉज लाइक, मैंने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने देखा होगा मैंने जब रिव्यू दिया था, मैंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे तो बेटर ही है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ दोनों को सपोर्ट करना है बिकॉज ऑफ सनी देओल, नहीं। वो मैं सीरियसली ये भी बोला था, याद करो, कि अगर मूवी खराब होगी तो मैं ओपनली बोल दूंगा कि राजवीर देओल सूट नहीं कर रहा ये वो। पर जब मूवी देखी तो उसके बाद आपने देखा होगा मेरा रिएक्शन एकदम सिंपल था। मैंने तो एक्चुअली 3 स्टार रेटिंग ही दिया था, मैं स्टोरी के अनुसार, उसने तरण जी ने तो भाई 3.5 स्टार दिए। आप समझ जाओ भाई, मूवी रिव्यूज तो अच्छे आए पर ये ऑडियंस पर एक ही सपोर्ट करना है या नहीं। पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े क्रिटिक अगर अच्छा बोल रहे हैं तो भाई आप ये भी सोचो कि मूवी पे डाउट नहीं करना चाहिए। राजश्री की फिल्म है भाई, बाकी आप लोगों पर है, आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइए। और ये शेयर किया कीजिए भाई वीडियो को, तब जाके मूवी ट्रेंड होती है, ये चर्चा में रहती है। अब तरण जी ने इतना बड़ा रिव्यू दिया है तो भाई ये वीडियो तो शेयर करना बनता है ना, ख्याल रखिए।